हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पूजा घर के बर्तन को साफ करना, यानी कॉपर के बर्तन साफ करना। एकदम नए जैसे चमचमाते बर्तन साफ होंगे चुटकियों में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा पतीला लिया है। जितने बड़े छोटे बर्तन हो उतना ही बड़ा पतीला आपको लेना है। उसमें हाफ हमने पानी ऐड किया है। पानी में डाल देंगे एक चम्मच बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है, सोडा नहीं है। इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर देना है और इसी पानी में सभी बर्तनों को हम एडजस्ट करके डाल देंगे। पानी कुछ कम लग रहा है तो दो गिलास पानी हम इसमें और ऐड कर देंगे। दो नींबू को छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है और नींबू के पीस हमने इस तरह से डाल दिए हैं। इस पानी में आप मंदिर की घंटी साफ करने के लिए ना डालें, क्योंकि इस घंटी में भगवान की मूर्ति होती है और इस घंटी की प्राण प्रतिष्ठा होती है। इसलिए घंटी या देवताओं की मूर्ति भूल कर भी इस तरह से साफ ना करें। मंदिर की घंटी और मूर्ति में कैसे साफ करती हूँ अगर आपको जानना है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी। अब इस पतीले को हमने रख दिया है गैस के ऊपर। गैस को ऑन कर देना है, फ्लेम को हाई कर देंगे और इस पानी को उबलने तक गर्म करना है हमें। इन बर्तनों को आप इस तरह से उलटते पलटते रहें, इससे ये चारों तरफ बराबर साफ हो जाएंगे। इनमें जरा भी हाथ नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, बगैर हाथ लगाए ये अपने आप एकदम क्लीन हो जाएंगे। और ये देखिए, इस तरह से इनका सारा कालापन अपने आप निकल जाएगा। कितने भी गंदे पुराने कसैले बर्तन हों, सिर्फ 5 मिनट में एकदम नए जैसे चमचमाते बर्तन निकलेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। एक पुड़िया मैंने लिया है डब शैम्पू, इसे फाड़ करके इसका पूरा शैम्पू इसी पानी में डाल देना है, क्योंकि बर्तनों में थोड़ी चिकनाहट होती है, वो भी इससे एकदम साफ हो जाएगा। पानी अच्छे से उबलने लगा है तो इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर देना है और इसी पानी में 5 मिनट तक इन बर्तनों को ऐसे ही छोड़ देना है। बट इन बर्तनों को घुमाते रहना है, यानी उलटते पलटते रहना है, जिससे चारों तरफ की गंदगी निकल जाए। और ये देखिए, 5 मिनट बाद मैं इन बर्तनों को आपको दिखा रही हूँ। अभी पानी हल्का गर्म है तो मैं इन्हें चिमटे से निकाल रही हूँ। ये देखिए, पुराने से पुराना जंग भी एकदम साफ हो जाएगा बर्तनों में से। बर्तन एकदम क्लीन है, एकदम नए जैसे देख सकते हैं अब। आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा। अब इन्हें पानी में से निकाल लेंगे हम। अब इन बर्तनों को तुरंत साफ पानी से धुल देना है, क्योंकि हमने नींबू का इस्तेमाल किया है। नींबू से बर्तनों में कसैलापन आ सकता है, इसलिए साफ पानी से इन्हें तुरंत क्लीन कर देना है। सभी बर्तनों को हमने साफ पानी से धुल दिया है। अब लेना है एक कार्टन का साफ कपड़ा और सभी बर्तनों को इस तरह से पोंछ पोंछ करके रख देंगे। ये काम जरूर करें जिससे लॉन्ग टाइम तक बर्तन चमचमाते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक पानी में रहने से ही बर्तन ये काले होते हैं। अगर पानी का इस्तेमाल करने के बाद इन्हें पोंछ कर रख दिया जाए तो ये बर्तन ऐसे ही चमचमाते रहेंगे, काले बिल्कुल नहीं होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक करना ना भूलें। तो इस तरह से आप बिना खर्चे के, बिना तामझाम, बिना घिसे रगड़े, बिना मेहनत कॉपर के बर्तनों को साफ कर सकते हैं। मैं आपको चारों तरफ दिखा रही हूँ, कहीं कोई कालापन इनमें जरा भी नहीं छूटा है। देख सकते हैं आप, पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं। और इस पतीले वाले पानी से आप घर के तवे या कढ़ाई, कोई भी बर्तन साफ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।